ಎಂಎಲ್ಎ ಮಾಡಾಲ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಪುತ್ರನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ರಣದೀಪ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಪದೇ ಪದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಬೇಕಾ? ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರೇ, ನೀವು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಸಿಎಂ ಆದ್ರ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. बीजेपी की सरकार कहती है कि आप बेटा या बेटी को, इन नौजवानों को जो ये बैठे हैं, इनको पढ़ाने की जरूरत नहीं. स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मत भेजिए. अगर आपके पास 70-80 लाख रुपया है तो रिश्वत दीजिए. इनकी डिग्री का फायदा नहीं, आपको रिश्वत के पैसे से ही नौकरी मिली. कॉन्ट्रैक्ट बेचते हैं, ये स्कूल की ग्रांट में रिश्वत लेते हैं, ये मठ के पैसे में रिश्वत लेते हैं, ये मजदूर की साबुन में रिश्वत लेते हैं, ये ट्रांसफर और पोस्टिंग में रिश्वत लेते हैं, ये नौकरी में रिश्वत लेते हैं, परंतु ये चीफ मिनिस्टर की पोस्ट भी बेचते हैं. बीजेपी के लीडर यशपाल ने क्या नहीं कहा कि बीजेपी में सीएम की पोस्ट पर 2,500 करोड़ में बेची जाती है? बताइए, अगर यत्नाल गलत कह रहे हैं तो आपने यत्नाल को बीजेपी से निकाला क्यों नहीं? और अगर यत्नाल सही कह रहे हैं, बीजेपी